नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ एक और बहुत ही खास तरह से अंग्रेजी को पढ़ना मैं सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी बहुत ही आसान से पढ़ सकें। जी हाँ, तो एक ऐसा तरीका जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने को जो है मजबूर कर देगा कि आप कोई भी वर्ड है तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, इस बात को जानिए कि अंग्रेजी को रीड करने के लिए आपको क्या याद रखना है। तो इसे याद रखें और इस तरीके से पढ़ना शुरू करें। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। दोस्तों ये देखिए, ये वो तरीका है जो कि आपके लिए सिर्फ मैंने जो है बहुत ही मेहनत से तैयार किया है कि भाई वाकई में जो मैं बोलता हूँ उसे आज मैंने लिख कर आपके सामने लाया है कि भाई आप देखिए क्या इसमें समझना है, क्या पढ़ना होगा। तो आपने यहाँ देखे बहुत सारे जो रेड रेड वाला, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। एक साइड ये रहेगा, दूसरा साइड भी चलते हैं, दूसरा साइड को भी देखना है, उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरा साइड दोस्तों ये है, इसमें भी जो रेड रेड है इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिए क्या करना क्या है। तो दोस्तों मेरा ये बताना है आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड के वो तरीके हैं जो कि हमेशा पढ़ते समय आपके दिमाग में आना चाहिए। एक्चुअली मैंने इसे बाद में लिखा है, लेकिन ये आपको पहले से आपको दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि अगर ये वर्ड है, यहाँ पर मान ली HEIGST लिखा हुआ है, तो आपको ये पहले से आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर ये दिमाग होना चाहिए, इस वर्ड में इस दिमाग में ये वर्ड रहना चाहिए, इसमें दिमाग में ये वाले वर्ड वर्ड जो है वर्ड में ये दिमाग में रहना चाहिए, इसमें ये रहना चाहिए, इसमें ये रहना चाहिए, इसमें ये रहना चाहिए, इसमें ये रहना चाहिए, या ये वाला रहना चाहिए, या यहाँ ये रहना। तो क्या, या ये देखिए है, तो इन सबको याद रखना होगा। लेकिन ये आखिर कहाँ से आ रहा है, तो पहले आप जो है पढ़ के मैं बताता हूँ और इसको समझिए कि कैसे नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए पहले देखते हैं पहला स्लाइड जो कि पहला मैंने दिखाया था दोस्तों, ये वाला, ठीक है? पहला जो है यही स्लाइड है जो मैंने दिखाया था आपको, इसमें पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको दिखा, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो कैसे पढ़ेंगे इसे, आप पढ़ के देखिए। अगर आपको नहीं, पहले पढ़िए। या तो पढ़ने के लिए मैंने क्या करना है कि मेरे वीडियो को जो है पॉज कर दीजिए। क्या करिए, पॉज कीजिए, पॉज, ठीक है? पॉज कर दीजिए। पाउज करने के बाद जो है आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है? पढ़ने के बाद मैं वापस आपको वहाँ लेकर चलूँगा, उसके बाद फिर इस पे आएंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ कर देखिए। दोस्तों मुझे आशा है कि आपने वीडियो को कुछ पढ़ा होगा, कुछ अगर पूरा पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी मैं यहाँ बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है। देखिए आपने अगर कोशिश किया है, जहाँ तक तो कोशिश किया है, अगर रियल सच में कोशिश किया है तो आपको यहाँ समझ में आएगा, नहीं तो फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो पे पहले वाला स्लाइड को देखिए और उसको फिर से रीड कीजिए। अगर रीड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ ना, तो वहाँ करिए, तो फिर से जाइए और वापस जब है यहाँ आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर आप वापस यहाँ आ गए हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसे यहाँ देखिए ई आर है, अर लिखे, यहाँ पर अर है, यहाँ पर ई एन टी है, तो ई एन टी है, मतलब जो रेड है वो पहले वाले वर्ड में है। क्या पढ़ेंगे, डी डी फे डी ई आर, अर जो है आर एफ का फर, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, सोशल सोशल सोशल, ग्रुप्स ग्रुप्स, यूपी को आप बोलते हैं, एस लगे आप सो गया, पार्ट्स हो गया ना। एंड देखिए, कैन मैन, ओ डब्ल्यू को ओ भी पढ़ते हैं, आओ भी पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, तो सो सो। फिर देखिए डिफरेंट, ई ए को ई ई पढ़ते हैं, बड़ी इस तरह से ई पढ़ते हैं, तो मी मीन, यानी कि हाइट में IGST हो गया, IGST हाइट हाइट। यहाँ देखिए एक एक पार्ट है, इसको मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ देखिए एक का एक एक का डिंग डिंग, इंग है डी कलर, डिंग हो गया। टू ए डी डी है, तो स्टडी इन, ए एन सी को एंस पढ़ते हैं, एंस। फ्रांस फ्रांस, एग्ज देखिए, टिप्स टिप्स, एग्जे क्यू टिप्स एग्जे क्यू टिप्स,
एंड, प्रो प्रोफेशन, ये देखिए पार्ट सन है, अल भी एक पार्ट ही होता है, प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स, उसके देखिए अल तो है ही, आर आर पढ़ेंगे, आर ए को आ, आर ई को र, देखिए आर ऐसे पढ़ते हैं, आ र, ए को आ और आर ई को र, आर 2.6 सेंटीमीटर 1 इंच, टेलर टेलर यार है ना, सॉरी टेलर नहीं, टॉलर टॉलर, टेलर एंड टॉलर, ई आर एल का लगा तो लर हो गया, एंड यूनी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स ई एन टी है, स्टूडेंट्स आर 2.55 सेंटीमीटर 1 इंच टॉलर देन द नेशनल, देखिए सन है और इसको अल बोलते हैं, तो सनल, नेशनल एवरेज एवरेज, एज जो है ये देखिए एज, आर लगा तो रेज हो गया, तो आर भी है एज भी है, एवरेज एज, इसको जब बोलते हैं एज, दिस केस, अब देखिए ए डॉट डॉट ई मैंने लिखा है, ए डॉट डॉट ई, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और ई के बीच में अगर कोई वोवेल कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे कि एस आ गया है, तो जो ये ई जो है ई को ए पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ये वाला ए, ठीक है, ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, और ई जो है ई जो है ई को आ पढ़ेंगे, आ, तो आ का उच्चारण स के साथ करेंगे तो क्या हो गया, एस के साथ करेंगे तो श, है ना, और ए का उच्चारण सी को का पढ़ेंगे तो का के साथ करेंगे, ए का उच्चारण तो के, केस केस, है ना, सो यहाँ ओडल को सोस, डेटा पहला ए जो है ए के रूप में, दूसरा ए जो है आ के रूप में पढ़ा गया है, तभी आई लुक डाटा होता है, डाटा भाई लिखा हुआ तो डाटा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अंग्रेज जो है अंग्रेजों ने इसे डेटा कहा है, तो हम लोग को डेटा कहना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा है, उनकी तरह से बोलना सीखना है तो ऐसे ही बोलना डेटा, क्योंकि वो डी ए टी ए में पहला ए जो है ए के रूप में और दूसरा ए जो है आ के रूप में उच्चारण वे करते हैं, तो हम लोग को ऐसे करना डेटा, टेकन, देखिए ए ए वाला है तो ए को क्या बोलते हैं, ए उच्चारण करेंगे, ई को ई जो कि ई एन तो एन भी बोलते हैं, तो टेकन टेकन, हम हो गया, फ्रॉम फ्रॉम ए पार्टी पार्टी, कूलर कूलर, सोशल सोशल, ग्रुप ग्रुप, मे ये वाला क्या बोलते हैं, मे नॉट रिप्रेजेंट, ई एन टी को बोलते हैं, इसको जया रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट, ये पार्ट्स जो वर्ड है वो कि पहले वाले कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ रहा है, जैसे अल जो है टी का जुड़ा तो टल हो गया है ना, तभी तो टोटल पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन तो देखिए सन है, पॉपुलेशन इन सम कंट्रीज, इज जो है टी का लगा तो ट्रीज हो गया, और एन को अंट बोलते हैं, अंट अन 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 है ना, टी अंट अंट, कंट्रीज इज कंट्रीज, ए री लेटिव, टिव को देखिए टिव है अली, रिलेटिवली रिलेटिवली स्मॉल, सिंगल एस है, सिंगल एस है, इसके बगल में कोई वोवेल नहीं है, तो एस को क्या पढ़ेंगे, सीधा एस पढ़ेंगे, एस और ए को अ के उच्चारण के रूप पढ़ेंगे, अ, तो एस स्मॉल, सैम पल एलिकुला ऑफ द पॉपुलेशन, मे ए वगैरह ये बोलते हैं तो मे हो गया, हैव बीन मेजर्ड मेजर्ड, इसको जब बोलते हैं मेजर्ड, देखिए जर्ड जर्ड, इसको जर्ड याद रखिए, जर्ड श्योर, अगर सिर्फ एस यू आर ई रहता तब श्योर पढ़ते हैं अलग वर्ड में, या कहीं कहीं ऐसे मिलते हैं एश्योर्ड, ऐसे भी हो सकता है, तो वहाँ पर एस एस श्योर श्योर पढ़ेंगे श्योर, यहाँ पर ज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ज पढ़ रहे हैं तो ज मेजर्ड, विच मेक्स विच विच, जिसमें एच जो है साइलेंट है, डब्ल्यू का इस्तेमाल हुआ है, विच मेक्स, फिर देखिए एक वादी आया है, विच मेक्स इट अनसर्टेन 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 वेदर वेदर दिस सैंपल ऑल एक्यू
एक्यूरेट, एक्यूरेट एक बार दी है तो एक्यूरेट एल ई है, एक्यूरेटली। री रीप्रे देखिए रीप्रेजेंट्स, रीप्रेजेंट द एंटायर एंटायर आयर पॉपुलेशंस, ठीक है पॉपुलेशन। दोस्तों ये ऐसे आप पढ़िए, अगर अब इसे पढ़ने के बाद आप एक और काम करिए, आपको इस तरह से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपने अगर पढ़ लिया है वापस जो है पहले वाला साइड पे जाइए, ठीक है। जैसे ये जो स्लाइड है अब इसे वापस एक बार पढ़िए या सो रिपीट कीजिए, अगर एक बार फिर से रिपीट करेंगे पढ़ना तो अब मुझे लगता है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। रिपीट कीजिए, रिपीट ठीक है, रिपीट कर लीजिए और फिर से पढ़िए क्या पढ़ा है। अब दूसरे साइड पे चलते हैं जो कि ऐसा ही टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को देखते हैं। दोस्तों एक टेक्स्ट ये रहा, इस टेक्स्ट को पढ़िए, ठीक है। मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं, पॉज करें वीडियो को, कर लीजिए पॉज। पॉज करने के बाद आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर से पॉज हटा लें, पॉज करेंगे तो ये टेक्स्ट दिखता ही है, उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने में कितना समय लगेगा, 40 से 50 सेकंड लगता है मुझे लगता है, आपको हो सकता है 2 मिनट लगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद पढ़िए। पढ़ने के वापस आप आएंगे पॉज के बाद जब पढ़ लेंगे तो आप इस वाले सेक्टर में आ जाएंगे, यानी ये वाले जो है हमारे पास इसमें आ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें जो पढ़ना है उसे इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसे यहाँ पर देखिए द हाइट आइट है, आइट आइट, ही आइट नहीं हाइट, हा हा। तो ई जो है दोस्तों, ई जो है ई को आ पढ़ाया गया है, ठीक है आ, तभी तो हा हो गया हा हाइट। अब बोलिए कि हाइट कैसे पढ़ते वाला, अगर मैं आपको बता दूं कि ई को अगर आ पढ़ा जाता है तो ये पढ़ा जाता है, आपने हमारे जो वॉवेल्स को उच्चारण वाले सेक्शन में देखा होगा कि ई को बार बार मैं बोलता हूँ कि अ आ ई ई और क्या बोलते हैं, जैसी बात है ए उच्चारण करते हैं, तो यहाँ आ तो उच्चारण हुआ तो हा हा इट। द हाइट होगा द हाइट ऑफ ऑफ ए पर्सन, यार पर बोलते हैं पी लगा पर हो गया, पर्सन पर्सन कैन है ना वेरी री हो गया वेरी ओवर द कोर्स क्या होगा कोर्स ऑफ ए डे, ये बोलते हैं डे ड्यू टू फैक्टर्स फैक्टर्स सच एज ए हाइट हाइट डी डी क्रीज ई है ई है ऐसी को ज बोल रहे हैं डिक्रीज फ्रॉम फ्रॉम एक्स 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 कैसे बोलते हैं ईयर पर बोल देते हैं देखिए आर है ऐसा है एक्सरसाइज डन डाई डायरेक्ट डायरेक्टली डायरेक्टली बिफोर बिफोर इन दल वी बिफोर मे जर ऐसी वाली को क्या बोलते हैं जर जर है आई एन टू कैंड बोलते हैं हम लगा तो मेंट हो गया मेम लगा तो मेंट हो गया मेजरमेंट मेजरमेंट ठीक है एम ई को क्या बोल रहे हैं मे ऐसी वाली को बोलते हैं जर और जर जो है जर के बाद जो है पार्ट ई एन टी है तो एम लगा तो मेंट हो गया मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसे बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल है आई डॉट ई को अब देखिए इनवर्स इनवर्स ली है ना ली भी है correlated तो टेड ही है और देखिए को रे लेट लेट ऐसे लेट पढ़ेंगे लेकिन चूंकि ले यहाँ पढ़ेंगे तो भी टेड हो गया correlated लैन है ले टेड क्योंकि ए के बाद ई है टेड हो गया और ए हाइट हाइट इन इन भी पार्ट है हमारा ई भी ई बड़ी के रूप में पढ़ते हैं ऐसी को ज़्यादा बोलते इंक्रीज सी को सब बोलते हैं सिंस लाइंग लाइंग ओ एन को ऑन बोलेंगे डाउन फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड
ठीक है, पीरियड और पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, टिव है लीव ये, पॉजिटिवली कोरिलेटेड टेड है, फॉर एग्जांपल है ना, ये लिखो लव बोलते वन, देखिए फॉर एग्जांपल में एल ई लव हो गया, वन वन स्टडी, एस को एस बोलेंगे तो वन स्टडी, डी वाई को डी बोलते हैं, याद रखिएगा डी बहुत बार आएगा, रिबिल्ड रिबिल्ड ये भी एक पार्ट है, री भी और ई एड बोलते हैं, रिबिल्ड ई ए को ई बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको ई ए, यहाँ पर है ना ई ए, यानी कि ई ए, ये ई है तो रिबिल्ड ए मीन, यहाँ भी ई है, यहाँ भी देखिए डिक्रीज में भी है, डिक्रीज ऑफ 1.54 सेन, सेन बोलते हैं, टी आई लगे तो सेंटीमीटर्स एंड है ना 0.61 इंच, इन द हाइट्स ऑफ 100 चिल्ड्रेन फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग टू बिटवीन 4 and 5 PM, दैट सेम एक के बाद ही है सेम डे सच फैक्टर और मे नॉट हैव बीन कंट्रोल्ड इन सम ऑफ द स्टडीज डेटा इज रिप्रेजेंटेटिव, देखिए री भी है एंट भी है जो कि एस के साथ लगा सेंट हो गया और टिव तो है ही, ऑफ द देखिए रिटी मेजोरिटी ऑफ द कंट्री और रीजन्स, जन हो गया एडल्ट एड हो गया तो एडल्ट पॉपुलेशन सन हो गया। तो दोस्तों एक बार इसे आपने देखा, वापस जो है आप इसे वापस यहाँ पर आइए और इसे आप खुद से पढ़कर देखिए कैसे पढ़ते हैं, अगर आप सही में पढ़ पाएंगे, अगर वहाँ आपने गौर से ध्यान देखा तो आप यहाँ आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। तो फिर से इसको देखिए, फिर से पढ़िए, अगर नहीं समझ में फिर से वहाँ देखिए कि आपने क्या मिस किया है, तो आपको समझ में आया कि हाँ मैंने ये मिस किया है और यहाँ पर ये गलतियाँ हुई है। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा कि जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। तो अगर दोस्तों कुछ गलतियाँ हुई हैं तो फिर से यहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो अब आगे मैं बढ़ाता हूँ आपको कि भाई आपको क्या याद रखना होगा। देखिए हमेशा आपके दिमाग में भव्य रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, मान लीजिए कि ए, यहाँ देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से और डबल ओ से मैंने एक आध दो वर्ड लिए हैं, तो ठीक है तीन भी समझ सकते हैं आप। तो मैं पढ़ रहा हूँ मैड, मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ रहे हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक दोस्तों यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं, पहला वाले मैड, ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ है ना, ए का मात्रा चिन्ह क्या होता है ऐसे होता है मैड, तो मैड और टेक में टी से ट और के से क होता है, लेकिन ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है तो वो ए भी है, तो टेक पढ़ लिया। पी आर पर बोलते हैं, यानी ई को जो है अ पढ़ रहे हैं, क्यों तो अ है तो पर, पी आर प्री होता है तो ई को दोस्तों छोटी बड़ी समझ सकते हैं, तो मतलब कि छोटी के लिए भी ई है, बड़ी के लिए भी जो है छोटी कैसे लिखिए, छोटी बड़ी एक ही है, आई के लिए भी वही है, तो यहाँ से आपको समझ जाना कि ई ले लिया मैंने। पेन में जो ई है वो इस तरह से आप यहाँ से पेन में ए आ जाता है। एस आई आर सर जो है, सर में आई का उच्चारण अ हो रहा है यानी अ है। फिग में आई का उच्चारण ई हो रहा है तो छोटी भी है, या टीन में बड़ी की बात करते हैं तो बड़ी भी ले लीजिए। साइन वगैरह लिखते हैं तो आई जो है आ ई साई साई, देखिए आई है जो मात्रा, एक तो मात्रा चिन्ह, दूसरा में जो है सीधा ई लिखा गया साइन, तो आई हो गया। उसके बाद एस एन सन में ओ को क्या पढ़ रहे हैं अ, श, आउट में वो क्या पढ़ रहे आ, आउट। मून में ओ को क्या पढ़ रहे हैं ओ, मून। टोन में वो क्या पढ़ रहे हैं ओ, तो हो जाता है टोन। एस एन सन में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो सन, या पुट में यू क्या पढ़ रहे हैं ऊ पुट। ट्यून में यू क्या पढ़ रहे हैं ई यू ट्यून। जूम में डबल ओ क्या पढ़ रहे हैं तो ऊ जूम, बड़ी हो जाएगा जूम।
दोस्तों इस तरह से, या आप ऐसे भी समझते होंगे कि FLOOD फ्लड, डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं तो अ, या लिखते हैं FLOOR, तब डबल ओ क्या पढ़ रहे हैं ओ, फ्लोर। दोस्तों इसी तरह से जो है आप बारी बारी से, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा देखिए, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही बात बनेगी दोस्तों, इससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद सो, थैंक्स वॉचिंग, मिलते के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।